हर मुहूर्त में उठना आवश्यक इसलिए हो चुका है कि मान के चले कि जो व्यक्ति है, प्राणी है, अपना मूल अस्तित्व खोता जा रहा है, जीव अपनी वास्तविकता भूलता जा रहा है पूर्ण रूप से, और अपना लक्ष्य क्या है वे बिल्कुल भूलता जा रहा है। कैसे कि वे इस माया जाल में इतना उलझे जा रहा है। और सर्वप्रथम ये कहना पड़ेगा कि उसको अगर छोटी सी सुई भी चुभ जाती है तो उसका इतना बड़ा पहाड़ करता है वह, यानी इतना बड़ा दुख लिए बैठ जाता है कि उसके आगे तो अब उसका जीवन ही खत्म है। यानी दुख तो उसको होना ही नहीं चाहिए, इस प्रवृत्ति का हो गया, दुख तो आना ही नहीं चाहिए उसके जीवन में, ये स्थिति बना दी। देखिए, मानव जीवन लिया है तो दुख है वो सुख, ये तो सहज सी बात आएंगे ही आएंगे आपको जी। इसलिए भर मुहूर्त को इतना महत्व दिया गया है अपने जीवन में। क्यों दिया गया कि देखिए, जो सफलता आपको अर्जित करनी है, अगर अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना है, किसी भी तरह की समस्याओं का निदान करना है, तो आपको थोड़ा सा समय अपनी जीव आत्मा के लिए निकालना पड़ेगा, अर्थात आपके स्वयं के भीतर बैठे परमात्मा के लिए निकालना पड़ेगा। आपको पता नहीं कि आपके भीतर जो बैठा हुआ है उसको ही नहीं पहचान पाया अभी तो, आप तो परमात्मा से कब मिलोगे? आपकी आत्मा एक तरह से सोई हुई है अभी तक, उसको आपने जाकर उठाया नहीं है अभी तक, आप वे उठेगी कैसे वापस? कहने का मतलब भी अपने मूल स्वरूप को वापस से कैसे पहचाने जीव, कि आप उसको जाओगे, उठाओगे, पानी की छींटे मारोगे, उसको पुकारोगे, किसी आवाज़ लगाओगे, तभी तो वह उठेगा एक तरह से। उसी प्रकार आपको यही माध्यम अपनाना पड़ेगा कि आपको रोज नित्य सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, उस अंतरात्मा में विलीन होना पड़ेगा, अपने अंदर घूमना पड़ेगा, अंदर टहलना पड़ेगा, चारों तरफ देखना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, प्रभु को याद लगाना, यानी आवाज़ लगानी पड़ेगी निरंतरता से, बार बार आवाज़ लगानी पड़ेगी भीतर जाके, तब जाकर आत्मा अपना मूल स्वरूप पहचानेगी, वो परमात्मा को नर्म निवेदन करेगी और उनका मिलने का रास्ता सहज हो जाएगा। आपको यही जानना पड़ेगा। मानव भ्रमित इसलिए हो चुका है कि उसके आंखों के सामने एक पर्दा डाल रखा उसने अंधकार का, इतना अंधकार है उस पर्दे में, आप उस पर्दे के उस पार देख ही नहीं सकते, इतना वे काला है, अंधकार इतना है उसमें, माया का अंधकार है उसमें आप पहचान सके। देखिए, जो जीव आत्मा, महात्माओं ने कहा हुआ, जो जीव आत्मा इस माया जाल को भेद जाएगी तो उसको पार भ्रम मिल जाएगा, यानी उसका माया में रहते हुए वे इस माया को भेद जाती है तो मान के चलिए कि वे अपना स्वरूप को जान जाएगी और पार भ्रम से मिल जाएगी, परम भ्रम से मिल जाएगी, उसका मूल स्वरूप जान में आ जाएगा कि हाँ, वे प्रभु ने उसको आखिरकार इस जीव जगत में भेजा है तो क्यों भेजा है, मूल स्वरूप जानने के लिए भेजा है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए भेजा है। अब वे लक्ष्य को पाएगा कैसे ब्रह्म मुहूर्त में? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों आवश्यक होता है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना इसलिए आवश्यक होता है कि आप अपना स्वयं का, सर्वप्रथम स्वयं का अस्तित्व जान लें। आप देखिए, अपने जीवन में भले कोई भी कार्य करे, व्यापार करे, बिजनेस करे, कोई नौकरी करे, जॉब करे, किसी भी तरह का कार्य करते हो, चाहे ठेला लगाते हो, छोटा से छोटा कार्य कर रहे हो या फिर बड़े से बड़ा कार्य करते हो, मगर कुछ समय होता है जो मुट्ठी भर जितना है, आप भले मुट्ठी भर ही मान लीजिए, वो इतना समय तो निरंतरता से निकाल के रखे प्रभु को समर्पित करते हैं कि ये समय प्रभु का है। और देखिए, वे तो बड़े ही निराले होते हैं जो प्रभु का निरंतरता से नाम लेते हैं उठकर ब्रह्म मुहूर्त में। केवल ब्रह्म मुहूर्त की बात नहीं हो रही, बड़ी सब पूरे समय मान के चले, दिन हो या रात, ऐसे बहुत कम मिलते हैं जो दिन रात निरंतरता से अजबाजाब निरंतर जपते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन जो अपने अस्तित्व को पहचान लेता है अंत समय में कि हाँ, मेरा मूल रूप है, जरूरी नहीं इसके लिए अंत समय आना जरूरी है, ये आप इसी उम्र में भी कर सकते हैं। मेरा जो वीडियो देख रखा है, देख रहे हैं भाई बंधु जितने भी भक्तगण हैं, वे भी समझ जाएं इस चीज़ को कि अगर आप अपना मूल अस्तित्व पहचान जाएंगे, जब दिन आएगा कि हाँ आप कौन हैं, तब आपको ये समझ में आने लगेगा कि नहीं, मैं हूँ तो फिर जीवात्मा है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ,
देखिए ना तो आपके भी ना तो आप ये शरीर काम का शरीर आपको केवल आप ये है कि आप शरीर के अंदर आपके जीवात्मा है इसलिए आपका चलायमान है और इस शरीर में रोग नहीं आना चाहिए। अगर शरीर में रोग आ जाता है तो मान के चलिए आपकी जीवात्मा तड़प उठती है, यानी आप तड़प उठते हैं इसको ठीक करने के लिए वापस बार बार, नहीं इसको ठीक किया जाए जैसे तैसे ठीक किया जाए। देखिए इस जीवात्मा में प्राण बसे हुए हैं, उसको जितना स्वस्थ रखें उतना ही सुलभ रहेगा आपके लिए, क्योंकि जब तक सही चल रही है ये मशीन तब तक आप प्रभु को एकदम बढ़िया तरीके से याद कर सकते हो, प्रभु से वंदना कर सकते हो, प्रार्थनाएं कर सकते हो, कुछ मांग सकते हो, कुछ उनको अर्पित कर सकते हो, ये मान के चलिए। जब ये मशीन खराब हो जाएगी पूर्ण रूप से तब सिर्फ आत्मा ही बचेगी और कुछ नहीं। शरीर नाशवान है, शरीर को आपके ना तो परिवार सुनेंगे, परिवार वाले सुनेंगे ना तो कोई। अगर ये शरीर नष्ट हो जाता है तो इसको चाहने वाला कोई नहीं है। जब ये तरह के पुतला बन जाएगा ना, एकदम पत्थर का पुतला, इसमें से प्राण निकले कोई नहीं, सब लोग बोलेंगे इसको ले जाओ जला के आओ, इसको जला के आओ, अरे वहाँ शमशान में अभी गाड़ का आओ, जला के आओ, इसको बाहर ले जाओ, घर में तो रखना नहीं, नेगेटिविटी आ जाएगी वरना इसकी लाश है, गंदी बदबू आने लग जाएगी, वो भी ऐसे कहने लगते हैं। देखिए यहाँ पर मोल किसका हो गया, फिर केवल आपके जब तक ये चलायमान था शरीर तब तक हुआ, बाकी नहीं रहता इसमें। ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको थोड़ा यहाँ पर विवेक से काम बहुत जरूरी लेना पड़ेगा। विवेक जब तक आपका विवेक जागृत हो जाएगा पूर्ण रूप से, तो मान के रखें कि आपके विवेक जो आपसे कार्य करवाएगा वो और कोई कार्य, आपका सबसे बड़ा दोस्त भी क्यों ना हो वो आपसे कार्य नहीं करवा सकता, जो गहरा दोस्त और मिसाल पुराना दोस्त, जो विवेक आपका जागृत हो जाता पूर्ण रूप से, तो मान के चलिए वे आपसे इतने शुद्ध और उत्तम कार्य करवाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। विवेक आपको हमेशा सही राह पे ही ले जाता है, कभी भी अलग या गलत राह पे कभी नहीं ले जाता, यह आपने थोड़ा सा महसूस किया होगा। क्योंकि जब भी आप कोई गलत कार्य करने जाते हैं, थोड़ा आप ये कार्य आज भी करके देख ले, कभी भी कर सकते हैं, कि आप अगर आप एक सुई लेते हैं और अपने शरीर के चुबाने जाते हैं, तो आपको भीतर से एक आवाज़ आता है ये गलत कार्य, दर्द होने वाला, चोरी करते कहीं पर एक रुपया ही क्यों ना हो तो आपके भीतर से आवाज़ आती है चोरी कर रहा हूँ पाप लगेगा, यही उठता है। और सामने अगर चींटी आपके पैरों से कुचल जाती है मर जाती है, तो प्रथम आवाज़ के नहीं, अपन तो किसी जीव को मार रहे हैं तो महापाप है, ये आवाज़ ऐसी उत्पन्न होती है। वे क्या आपके भीतर की आवाज़ें होती है जो बहुत ही परमात्मा की आवाज़ होती है, सर्वप्रथम जो संकेत मिलता है वो भी सत्य का समर्थन करती है। ये आपको समझना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपके अस्तित्व को आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने अस्तित्व को पहचानेंगे नहीं तब तक आप अपने लक्ष्य को भेद नहीं सकते। ये मान के चलिए परमात्मा ने एक लक्ष्य दिया होगा, इसको जान लें, इसको पहचान लें, वो परमात्मा में रमण करें, थोड़ा बहुत जितना समय मिलता है अपनी कार्यशैली से निकल कर थोड़ा समय यहाँ देना जरूरी है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आत्मा का सफ़र, और हमसे जुड़े रहें और बेल आइकन को बता दें, दबा लें बेल आइकन को, ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आए तो आपको जल्दी से सूचना मिले। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमो भक्ति वासुदेवाय।